रामेश्वर मंदिर है गाइस ये, तो ओम नमः शिवाय। और जो इस मंदिर की हिस्ट्री होगी मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज ये जगह मुझे बहुत पसंद आई रैंडम। ये मेरी लिस्ट में नहीं था, बट रैंडम मैंने सोचा था कि जैसे ही मुझे कुछ ऐसा दिखेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए शूट करूँगी एंड ट्राई करूँगी कि कुछ नया कुछ डिफरेंट सा निकल चुके हैं अलीबाग टू रेव दंडा। एंड गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज देख रही हूँ मैं अपनी लाइफ में पहली बार, और आप सब लोगों को भी दिखा रही हूँ, कमल के खेत। यस माई डियर फ्रेंड्स, ये है कमल की खेती। एंड जस्ट इमेजिन गाइज के पंजाब में गन्ने के खेत देखने वाले को अगर ऐसे कमल के खेत दिख जाए तो उसे कैसा फील होगा। बस 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 वैसे ही फील हो रहा है मुझे, आई एम रियली हैप्पी। सो फ्रेंड्स, कमल के फूल की खेती यहाँ जुलाई और अगस्त के महीने में की जाती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुहावना मौसम है, बहुत ही काले काले बादल आ रखे हैं, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बहुत ही अच्छा मौसम है, और साथ में चाय और पकौड़े की कमी जो है वो फील हो रही है। गाइज इतना अच्छा मौसम देख के, इतना ब्यूटीफुल सा वेदर है यार, चाय पकौड़े तो अभी याद आना लाजमी है ना। तो कोई बात नहीं, चाय पकौड़े ना सही है, वड़ा पाव ही सही। यहाँ पे वड़ा पाव को पता है महाराष्ट्र में कितना फेमस है, कितना मतलब हर जगह जगह पे मिलता है, तो अभी जहाँ पे भी मुझे वड़ा पाव मिलने वाला है, दिखने वाला है, तो मैं ज़रूर खाने वाली हूँ। दोस्तों वड़ा पाव तो नहीं मिला, लेकिन एक बहुत ही प्राचीन सा मंदिर दिखा है मुझे, तो मैं यहीं पर रुक गई हूँ आप सभी के लिए और मेरे लिए, कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि ये कौन सा मंदिर है, क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ही सुंदर जगह है ये, एंड मुझे अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये है क्या है, बट मुझे बहुत पसंद है ये जगह, इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे बोला कि रुक जाओ मुझे ये देखना है कि ये है क्या है। राइट, तो ये है गाइस श्री क्षेत्र रामेश्वर चौल। राइट, आई थिंक ये मंदिर है, जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, बाय। रामेश्वर मंदिर महाराष्ट्र स्टेट के रेवदंडा में स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। चौल रीजन बहुत से मंदिरों के लिए फेमस है। यहाँ टोटल 365 यानी कि 365 मंदिर है। ये मंदिर एग्जैक्टली कितना पुराना है ये तो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये 400 साल पुराना मंदिर है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन किसी कारण ये मंदिर अधूरा रह गया। फिर बाद में इसे कान्होजी आंग्रे, जो कि मराठा नेवी एडमिरल थे, उन्होंने इसे कंप्लीट करवाया, और फिर बाद में इसे कई बार रेनोवेट किया जा चुका है। इस मंदिर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा तालाब है जिसे मराठी में पोखरन कहते हैं। त्योहारों के दिनों में यहीं पर पूजा अर्चना आरती इत्यादि की जाती है। इस मंदिर का गुंबद यानी कि टेंपल डोम 7.62 मीटर लंबा है। मंदिर के अंदर बहुत से पिलर्स हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं और उन पर खूबसूरत नक्काशी की हुई है।
मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने महादेव विराजित है, बाईं तरफ गणपति बप्पा और दाईं तरफ भगवान विष्णु विराजित है। इस मंदिर में तीन कुंड यानी कि टैंक्स मौजूद हैं, प्रजन्य कुंड, अग्नि कुंड, वायु कुंड, जो कि नेचर यानी कि प्रकृति के तीन तत्वों को, एलिमेंट्स को प्रेजेंट करती हैं, जो कि है वर्षा, अग्नि और वायु। यहाँ मंदिर के सामने दो बड़े ज्योति स्तंभ हैं, जो कि बड़े पिलर्स की शेप में हैं, जिनमें दिए जलाए जाते हैं। तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस में आपके लिए ला सकूं। सो अभी के लिए करती हूँ बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।